हे गाइस, वेलकम टू कुमार बिजी ब्लॉग। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल। ठीक है, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, फाइनली ये सब आ गए हैं, तो मिलवाता हूँ मेरे स्कूल के दोस्तों आनंद, विनोद, संपत, दे आर ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स। ओके, तो बहुत दिनों बाद हम लोग आज घूमने जा रहे हैं दुर्गा पूजा में। मेरे को 6 बजे बोला आ जाने विनोद, ये मासूम। अरे कुछ सही, 7 बजे निकला है। चलिए कोई ना, आज तो पूरा रात घूमना है। अब अपने को ऑटो पकड़ना है, अभी कल्याणी जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ऑटो पकड़ेंगे या ट्रेन पकड़ेंगे, क्या अभी तो डिसीजन फाइनल हुआ नहीं है। चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी आनंद, संपत, विनोद सब मिल के ओला ढूंढ रहे। तो ये हमारा GT रोड है, एक्चुअली इधर सल के चली जाती है ये। तो हमारा ऑटो स्टैंड यहाँ पे है। भाई डेवलपर्स में प्लान डेवलप हुआ। ऑल आर इंजीनियर था। तो फाइनली प्लान बना, यहाँ से ऑटो पकड़ के हम लोग हावड़ा जाएंगे, हावड़ा से बस पकड़ के सियालदह, वहाँ से ट्रेन कल्याणी के लिए। चलिए आनंद बैठ गया, फटाफट हम लोग भी बैठ जाते हैं। आनंद बैठो, जाओ अंदर जाओ, वहाँ बाहर बैठेंगे। संपत, नया नया आईफोन लिए, देख रहे हो लोगों दिखा रहे हैं बस। कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा आनंद, हमारे और आनंद के पास नहीं है अभी फिलहाल। संपत भी आईफोन चमका रहे हो। आईफोन प्रो कोई बात नहीं। बस हम लोग हावड़ा पहुंचने वाले हैं अब, तो यहां से अब सियालदह का बस लेंगे। हाँ, ब्रिज आ रही है ना, हमारा अभी लाइट ऑफ है ब्रिज की, कुछ देर बाद चालू हो जाएगी। तो फटाफट यहाँ से बस पकड़ेंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे। ठीक है, ब्लॉग तो बने रहिए आप लोग। तो हमको बस अभी सियालदह के आगे से मिल जाएगी, सियालदह की बहुत सारी बस मिलती रहती है यहाँ से, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये रही हावड़ा ब्रिज, लाइटिंग मस्त है ना। तो सियालदह की बस आ गई हमारी, यहीं पे है। सियालदह 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 सियालदह, आइए आइए आइए। पूरा खाली बस है, लेडीज उधर। आया अभी हीरो का एंट्री भाई। तो फाइनली चालक की बस मिल गई है हमारे के साथ में। चलिए अब चलना है लोकल पकड़ने। ठीक है, आनंद कुछ बोलिए भाई साहब, आप हावड़ा से सियालदह की जर्नी स्टार्ट हो रहा है। चलिए आप ट्रेन पकड़ना है। ओके, गुड बाय। बस इसी कमी थी यार, बारिश हो रही है। हम लोग जो पैदल पैदल घूम रहे हैं उनको तो घर जाना पड़ेगा वापस अब। कोई ना खत्म हो जाएगा। चलिए अभी काफ़ी लंबी जर्नी है, 15-20 मिनट तो लगेगा यहाँ से स्टेशन जाने में। बहुत जोर से बारिश हो रही है। Thank you.
भाई भींगे कैसा लग रहा है? बहुत ही हालत खराब है सभी का, पूरा जूता वूटा लग रहा है, भींग चुका है। ठीक है, सृष्टि का शाम पानी के साथ है ना, पूरा कलकत्ता डूब गया यार। एक घंटे में बस पकड़ेंगे नहीं, करेंगे हावड़ा बस। चेंज हो गया यार, इतना पानी हुआ, इतना पानी वापस लोग घर जा रहे लिटरली भीग चुके, पूरा भीग चुके यार, जूता वूता सब भींग गया। चलिए कोई ना, वापस हावड़ा जाते हैं, फिर खाना खाएंगे, फिर घर चलेंगे वहीं से अगर मौका मिले तो। अनएक्सपेक्टेड बताइए। यही है दुर्गा पूजा हावड़ा का, सोष्ठी का दिन में देखो कितना पानी हो गया यार, पिछले एक दो घंटे से ये बरस ही रहा है, बरस ही रहा है तब से। तब ना लेवल पता चलेगा, लेवल पता चलेगा। ये साला लगता है गंगा जी में आ गए हैं भाई, किसी का ब्लॉग बना रहे हैं। सही बोला। और विनोद पिट्टू भाई, अपना ब्लॉग कैसा रहा तुम्हारा आज का? ब्लॉग का स्वभाव लगता है, यही अंडर वाटर प्रोजेक्ट है क्या भाई? फाइनली कोलकाता में हम लोग हावड़ा आ गए। अनिल भाई कैसा था एक्सपीरियंस कोलकाता में? कल पर कुछ बोलो यार। अब हम लोग पहुँच चुके वन बाई वन रेस्टोरेंट, वन बाई वन रेस्टोरेंट हम लोग जा रहे हैं। चलिए पहले खाना खाएंगे हम लोग, ठीक है? तो ये रहा रेस्टोरेंट, अभी हम लोग खाना खाना चाह रहे हैं, ठीक है? काफ़ी भूख लगा है गाइस, मैं तो दोपहर में खाना खाया था बस, शाम को स्नैक्स भी नहीं किया कुछ। देखो तो भी आनंद और विनोद मिलके मेनू डिसाइड कर रहे हैं। आनंद, एनीथिंग यू गॉट फॉर अस? बटर नान एंड प्लेन कुलचा इन वेज साइड। फॉर यू और फॉर अस? फॉर अस। नाउ यू डिसाइड। ओके, नाउ विनोद, विनोद विल डिसाइड समथिंग। राइट नाउ वी आर भूखा सिर्फ बकरी बन के घूम रहा है, नॉन वेज देख के पानी आ रहा है। ओके, मीनवाइल मी एंड संपत इज वेटिंग। कुलचा मतलब क्या है? पनीर डाल रहा है? नहीं नहीं, कुलचा कुलचा वो टाइप का रहता है, नन टाइप का रहता है, उसमें मसाला रहता है, उसमें बटर डाल देगा। भाई वन रिक्वेस्ट, यू शुड नॉट बीट हियर एक्चुअली। धर्म भ्रष्ट कराया गया नवरात्रि में ये इंसान। आज तो पनीर आज नहीं खाते भाई, असली की बात। अच्छा खा लिया ऑलरेडी? ओके चल कोई ना, चल कोई ना खा ले। सो विनोद इज गिविंग ऑर्डर नाउ फॉर अस। तो हमारा खाना आ गया फाइनली। आनंद, आई एम कैप्चरिंग यू। बाय। हम तो बोले भाई जिसको खाना खाओ। तो सेकंड ऑर्डर में हमारा अच्छा पराठा और कढ़ाई पनीर है ना, चलो खाते हैं। तो गाइस फाइनली खाना खा लिया हम लोग, ठीक है? और देखते हैं यहाँ आसपास कहीं घूमने का मिले तो घास चलते, ठीक है?